हेलो दोस्तों, ज्योति इंडियन रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि पकौड़े डालकर कढ़ी कैसे बनाते हैं। कढ़ी को बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम दही लिए हैं और 100 ग्राम बेसन। हम पहले से ही एक छोटा कटोरी बेसन डालकर दही में मिक्स कर लिए हैं। इसके लिए हम एक चम्मच हल्दी पाउडर लिए हैं, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच जीरा गोल की पाउडर लिए हैं, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिए हैं, 2 लाल मिर्च लिए हैं, 1 तेज़पत्ता लिए हैं और थोड़ा सा सरसों, पीला सरसों लिए हैं और थोड़ी सी हींग लिए हैं और आधा कटोरी सरसों तेल लिए हैं। अब कढ़ी का पकौड़ी और घोल तैयार कर लेते हैं। अब सारे मसालों को थोड़ा थोड़ा करके दोनों चीज़ों में डालकर मिक्स कर लेंगे। अब पकौड़ी में 2 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और लहसुन को थोड़ा सा पेस्ट बचा के रख लेंगे कढ़ी में डालने के लिए। अब कढ़ी के लिए पतला घोल तैयार कर लेंगे। और पकौड़ी के लिए गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हाई फ्लेम पर कढ़ाई को चढ़ाएंगे और उसमें तेल डाल देंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद उसमें एक एक करके पकौड़े डाल देंगे, लाल होने तक छान लेंगे। अब पकौड़ी लाल हो चुका है और एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसी प्रकार सारे पकौड़ी को हम छान लेंगे। हमने सारे पकौड़ी देखिए छान लिए। अब बचा हुआ तेल को निकाल लेंगे और थोड़ा सा तेल रहने देंगे कढ़ाई में ही। अब हम तेल में सरसों डाल देंगे और उसको चटकने देंगे। सरसों को चटकने के बाद उसमें लाल मिर्च तोड़कर डाल देंगे और तेज पत्ता डाल देंगे। जब तेल से खुशबू आने लगेगा तो उसमें हींग डाल देंगे। उसके बाद बचा हुआ लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और उसे अच्छी तरह चला लेंगे। अच्छी तरह चलाने के बाद इसमें दही बेसन का घोल डाल देंगे। खदकने के बाद घोल गाढ़ा हो तो उसमें और पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद 5 मिनट तक उसको ढककर खदकने देंगे। अब हमारा 5 मिनट हो चुका है, अब उसमें पकौड़ी को हम डाल देंगे। पकौड़ी
पकौड़ी को हम डालने के बाद उसे 2 मिनट और पका लेंगे। अब परफेक्ट कढ़ी बनकर तैयार हो चुका। अब इंडक्शन बंद कर देंगे। अगर आपको यह रेसिपी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।